जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि आज कौन सा त्यौहार है, तो दोस्तों आज अखा तीज का त्यौहार है। अखा तीज का त्यौहार है या अक्षय तृतीया, यानी दोस्तों आज अखा तीज का त्यौहार है या फिर अक्षय तृतीया। और अब हम हिंदी महीनों की बात करें तो अखा तीज बैसाख का महीना और पक्ष कौन सा, शुक्र पक्ष। कौन सा पक्ष है? शुक्र पक्ष तृतीया। यानी अखा तीज हिंदी महीने के हिसाब से बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को ये मनाई जाती है। गुरु जी और क्या अखा तीज पर है? तो देखो अखा तीज पर इस दिन सूर्य व चंद्रमा दोनों की राशि एक होती है, एक ही होती है। यानी इस दिन सूर्य व चंद्रमा दोनों एक ही राशि में होते हैं। और इस दिन ही दोस्तों त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। यानी इसी दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। तो यानी अखा तीज बैसाख शुक्ल तृतीया को ये मनाई जाती है और सूर्य व चंद्रमा दोनों की एक ही राशि होती है और त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन ही हुई थी। और हम जो हमने राजस्थान में जो बात करा, तो दोस्तों इस दिन हम लोग क्या करते हैं कि खेत में जाते हैं और जो मोठ बाजरा ये लेकर हम खेत में जाते हैं और पिंडिया बनाते हैं। पिंडिया जानोगे हम तो बेरा पिंडिया कौन है आपने, तो ए पिंडिया है मोठ बाजरा का। क्या है? मोठ बाजरा का पिंडिया जो हम खेत में जाकर ये बनाते हैं, जैसे कोई हल्की जुताई करते हैं। और इस समय दोस्तों एक गीत गाया जाता है और वो बहुत ही अच्छा गीत है, तेजा जी का। किसका गीत है? तेजा जी का गीत। तेजा जी का गीत गाया जाता है कि लाग्यो लाग्यो जेठ साडे कंवर तेजा रे, लग तो ही गाजो सावणे भादुओ। अब तेजा जी की माँ क्या कहती है कि तू सूत्यो किसी निंदा मेरे कंवर तेजा रे, थारो सा घोड़ा बीजय बाजरो, हे तेनो तो झूठ मत बोले माता धरनीये, मारे सा घोड़ा खेले गोरा में। तो दोस्तों ये गीत तेजा जी का गाया जाता है और इसी क्रम में हम देखें तो एक राजस्थान के अंदर एक प्रथा प्रचलित थी बाल विवाह की। किसकी? बाल विवाह की प्रथा। यानी दोस्तों अखा तीज के दिन बाल विवाह सर्वाधिक राजस्थान में होते थे और एक बाल विवाह पर एक सहरदा एक्ट बना था। क्या बना था? सहरदा एक्ट। सहरदा एक्ट 1929 में ये बना था सहरदा एक्ट, और इसके बाद में ये बाल विवाह को रोका गया था। और अखा तीज की हम और बात करें कि हम लोग खेत में जाते हैं और हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप खेत में जाते हो और आपको कोई
टिटूड़ी का दर्शन हो जाता है, टिटूड़ी जानो थे टिटूड़ी, हाँ टिटूड़ी का दर्शन हो जाता है तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वारे न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों आप में पुणे हमारे डेफोडिल कोचिंग परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को आखा तीज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राज्य एवं जिलों की आकृति। क्या है? राज्य एवं जिलों की आकृति। तो देखिए दोस्तों राज्य एवं जिलों की आकृति, राज्य एवं जिलों की आकृति। सबसे पहले हम राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये अपना राजस्थान। देखिए दोस्तों राजस्थान के बारे में सबसे पहले ये किसने कहा था कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसके समान? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो दोस्तों हम बात करेंगे विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, यानी कि समचतुर्भुज, यानी जिसकी रेखाएं क्या होती हैं चारों, यानी बराबर होती हैं। तो राजस्थान की आकृति कुछ इस तरह की है, इस तरह की है। तो दोस्तों इसको एक नाम दिया गया विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या नाम दिया गया? विषम कोणीय चतुर्भुज इसको नाम दिया गया था। और इसको पतंगा आकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंगा आकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंगा आकार। पतंगा आकार की आकृति राजस्थान राज्य की है। और रोम्बस के समान, किसके समान? रोम्बस के समान राजस्थान राज्य की क्या है आकृति? मैं आपको बता दूं कि विषम कोणीय चतुर्भुज ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया था? यानी टी एच हैंडले ने। किसने दिया? टी एच हैंडले। यानी आपसे पूछा जाए कि विषम कोणीय चतुर्भुज इस नाम को हैंडल करने वाला कौन था? टी एच हैंडले। कौन था? टी एच हैंडले था। यानी विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम सबसे पहले किस विद्वान ने दिया? तो आपको बताना है टी एच हैंडले। और राजस्थान के संबंध में और भी इसकी आकृति है, जैसे पतंगाकार, रोम्बस। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, पतंगा आकार के रूप में है और रोम्बस के समान है। अब हम बात करेंगे राज्य के अन्य जिलों की आकृति किस तरह की है। राज्य के अन्य जिलों की आकृति देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रिक। क्या लिख दिए हैं? ट्रिक लिखते हैं। और ट्रिक क्या है? जैसल की बहू ने जालौर के समुद्र में
वहेल मछली को देखा, वहेल मछली को देखा। देखो ट्रिक किया अपनी, जैसल की बहू ने, किसने बहू ने, किसने बहू ने, हाँ जालौर के समुद्र में वहेल मछली को देखा। क्या देखा? यानी जैसल की बहू ने जालौर के समुद्र में वहेल मछली को देखा। किसको देखा? वहेल मछली को देखा। तो दोस्तों जैसल से क्या बना? जैसल का कोड है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। और बहू का अर्थ क्या है? हाँ भोगा कौन है? बहू। बहू का अर्थ क्या है? बीबी नहीं, बीबी नहीं है, बहू का अर्थ है अनियमित बहुभुज। अनियमित है, अनियमित बहुभुज के समान, बहुभुज के समान। यानी जैसलमेर की आकृति अनियमित बहुभुज के समान है। और अब हम बात करें जालौर, जालौर के समुद्र में, यानी जालौर का कोड है जालौर से क्या बना? जालौर और समुद्र। यानी जालौर जिले की आकृति किसके समान है? जालौर जिले की आकृति है दोस्तों वहेल मछली की तरह। किसकी तरह है? वहेल मछली की तरह, वहेल मछली की तरह। या फिर समुद्र में, किसमें? समुद्र में, समुद्र में गोता लगाती हुई मछली के समान। यानी ट्रिक क्या थी? जैसल की बहू ने जालौर के समुद्र में वहेल मछली को देखा। तो जैसल से क्या बना? जैसलमेर। और बहू से क्या बना? अनियमित बहुभुज। क्या बना? अनियमित बहुभुज बना। और जालौर से क्या बना? जालौर। और समुद्र से बना समुद्र में गोता लगाती हुई मछली, समुद्र में गोता लगाती हुई मछली के समान। और अवहेल मछली का कोड क्या है? यानी वहेल मछली की तरह। तो आपसे पूछा जाए कि वहेल मछली की तरह किस जिले की आकृति है? तो आपको बताना है जालौर जिले की। किस जिले की है? जालौर जिले की। और समुद्र में गोता लगाती हुई किस जिले की आकृति है? तो आपको बताना है जालौर जिला। क्या बताना है? जालौर जिला। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है कि भिल्लों के आयताकार, भिल्लों के आयताकार घर में काली व दोहड़ी बत्तख रहती है। यानी भिल्लों के आयताकार घर में काली व दोहड़ी बत्तख रहती है।
यानी भीलों के आयताकार घर में क्या रहती है? काली व दौड़ी बत्तख। तो दोस्तों भीलों से क्या बना, देखिए इसका कोड है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा जिले की आकृति किस तरह की है? आयताकार। किस तरह की है? आयताकार। आयताकार यानी आपसे पूछा जाए कि आयताकार की आकृति किस जिले की है, तो आपको बताना है भीलवाड़ा जिले की। किस जिले की है? भीलवाड़ा जिले की। और हम बात करें काली व धुली। काली का कोड है करौली, काली का अर्थ है करौली और धुली का अर्थ है धौलपुर। यानी काली का अर्थ है करौली, धौली का अर्थ है धौलपुर। क्या है? काली का अर्थ है करौली, धौली का अर्थ है धौलपुर। तो इन दोनों जिलों की आकृति दोस्तों किसके समान है? बत्तख के समान है। किसके समान है? बत्तख के समान है। बत्तख के समान है। तो आपसे पूछा जाए कि किन दो जिलों की आकृति बत्तख के समान है, तो आपको बताना है करौली व धौलपुर। करौली व धौलपुर। हाँ दोबारा देखो, ठीक है। भीलों के आयताकार घर में काली व धौली क्या रहती है? बत्तख रहती है। क्या रहती है? बत्तख। तो भीलों का कोड हुआ भीलवाड़ा। क्या हुआ? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जिले की आकृति किसके समान है? आयताकार। किसके समान है? आयताकार। और काली का कोड क्या है? करौली। क्या है? काली का कोड क्या है? करौली। और करौली जिले की आकृति किसके समान है? बत्तख के समान। किसके समान है? बत्तख के समान। और इसके आगे है धौली। पहली काली बाद में धौली, पहली काली बाद में धौली, यानी धौली। धौली से धौली का कोड है धौलपुर। क्या है? धौलपुर। और धौलपुर की आकृति है बत्तख के समान। किसके समान है? बत्तख के समान। तो अब हम अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक क्या है? हाँ देखो, फॉर्मूला नंबर तीन। फॉर्मूला नंबर तीन ये है कि राजा के तिलक के लिए, राजा के तिलक के लिए के लिए हनुमान, यानी राजा के तिलक के लिए हनुमान कुर्सी एवं सोपे ले आया, के ले आया, सोपे ले आया और उस पर जोधा का मोर बैठा। क्या बैठा? जोधा का मोर बैठा। तो ट्रिक क्या अपनी? ट्रिक है कि राजा के तिलक के लिए हनुमान ने कुर्सी व सोपे ले आया और उस पर जोधा का क्या बैठा? मोर बैठा। क्या बैठा? मोर बैठा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजा का कोड क्या है। राजा का कोड क्या है? राजा का कोड है राजसमंद। क्या है? राजसमंद है।
राजा का कोड है राजसमंद। तो गुरुजी रानी का कोड क्यों है? तो बैठक को नानो अपन है, यानी राजा का कोड क्या है? राजसमंद। क्या है? राजसमंद। और तिलक का मतलब क्या है? तिलक का मतलब है तिलक। क्या है? तिलक। कहने का अर्थ यह हुआ, कहने का अर्थ यह है कि राज संबंध की आकृति किसके समान है? तिलक के समान है। किसके समान है? तिलक के समान। यानी राधा से क्या बना? राज संबंध। और तिलक से क्या बना? तिलक। यानी राज संबंध जिले की आकृति है तिलक के समान। किसके समान है? तिलक के समान। अब देखेंगे कि हनुमान, हनुमान से क्या बना? हनुमानगढ़। क्या बना? हनुमानगढ़। और कुर्सी एवं सोपे, कुर्सी एवं सोपे। तो हनुमानगढ़ जिले की आकृति किसके समान है? कुर्सी के समान या फिर सोपे के समान या फिर अंग्रेजी के एल अक्षर के समान, एल अक्षर के समान। यानी हनुमान से बना हनुमानगढ़ और कुर्सी से बना कुर्सी और सोपे से बना सोपे। यानी हनुमानगढ़ जिले की आकृति है कुर्सी एवं सोपे के समान या फिर अंग्रेजी के एल अक्षर के समान। कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजी के एल अक्षर के समान राजस्थान के किस जिले की आकृति है? तो आपको बताना है हनुमानगढ़। क्या बताना है? हनुमानगढ़ बताना है। तो इस ट्रिक को दोबारा देख लीजिए। राजा के तिलक के लिए हनुमान कुर्सी एवं सोपे ले आया और उस पर जोधा का मोर बैठा। क्या बैठा? मोर बैठा। राजा से बना राजसमंद और तिलक से बना तिलक। यानी राजसमंद का, राजसमंद जिले की आकृति है वो तिलक के समान है। किसके समान है? तिलक के समान। और हनुमान से बना हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ जिले की आकृति है कुर्सी एवं सोपे के समान या फिर अंग्रेजी के एल अक्षर के समान। अब हम चलते हैं आगे। ये है जोधा। क्या है? जोधा। और जोधा का कोड है जोधपुर। क्या कोड है? जोधपुर। जोधपुर। और जोधपुर जिले की आकृति है मोर के समान। किसके समान है? मयूर या मोर के समान। किसके समान? मोर के समान। तो आपसे पूछा जाए कि मयूर या मोर के समान राजस्थान के किस जिले की आकृति है? तो आपको बताना है जोधपुर। क्या बताना है? जोधपुर बताना है। इसके बाद में हम चलेंगे फॉर्मूला नंबर चार पर। किस पर चलेंगे? फॉर्मूला नंबर चार। ट्रिक नंबर चार क्या कहती है? कि भरत कौन? भरत, भरत, भरत गिल्ली प्याली, भरत गिल्ली प्याली लेकर, भरत गिल्ली प्याली लेकर अजय के पास त्रिभुजाकार भरत गिल्ली प्याली लेकर अजय के पास त्रिभुजाकार सभा में
सभा में जम्मू गया, कहां पर गया? जम्मू गया, यानी भरत गिल्ली सी पैली लेकर अजय के पास त्रिभुजाकार सभा में जम्मू गया, यानी भरत गिल्ली सी पैली लेकर अजय के पास त्रिभुजाकार सभा में जम्मू गया, कहां पर गया? जम्मू गया। तो भरत का कोड क्या है दोस्तों? भरत का कोड है भरतपुर। क्या है? भरतपुर है। और गिली का कोड क्या है? गिलहरीनुमा। क्या है? गिलहरीनुमा, यानी गिलहरी नुमा। कहने का मतलब यह हुआ कि भरतपुर जिले की आकृति गिलहरी नुमा है। किसके समान है? गिलहरी नुमा है। आगे का कोड है कि भरत गिल्ली सी का कोड क्या है? सिकर। क्या है? सिकर। क्या है? सिकर। और सिकर की आकृति है दोस्तों पैली के समान। किसके समान? पैली या फिर कटोरो, कटोरे के समान, या फिर अर्ध चंद्राकार। यानी सीकर जिले की आकृति है प्याली नुमा, कटोरे नुमा या फिर अर्ध चंद्राकार के रूप में है। तो आपसे पूछा जाए कि कटोरे नुमा अर्ध चंद्राकार के रूप में किस जिले की आकृति है, तो आपको बताना है सीकर जिले की। किस जिले की है? सीकर जिले की। अब हम चलते हैं अजय पर। किस पर चलते हैं? अजय पर। और अजय का कोड क्या है? अजय का कोड है अजमेर। क्या है? अजमेर। क्या है? अजमेर। और अजमेर जिले की आकृति किस तरह की है? त्रिभुजाकार। किस तरह की है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, यानी अजय से क्या बना? अजमेर बना। और अजमेर जिले की आकृति है त्रिभुजाकार। किस तरह की है? त्रिभुजाकार। और अब हम चलते हैं सभा पर। किस पर चलते हैं? सभा पर। तो दोस्तों सभा का यहां मतलब है संभाग से। किससे है? संभाग से है, यानी अजमेर संभाग। यानी अजमेर संभाग अजमेर संभाग की आकृति किसके समान है? जम्मू कश्मीर के समान। किसके समान है? जम्मू कश्मीर के समान। तो आपसे पूछा जाए कि अजमेर संभाग की आकृति किसके समान है, तो जम्मू कश्मीर के समान है। तो ट्रिक क्या है कि भरत गिली सी प्याली लेकर अजय के पास त्रिभुजाकार सभा में जम्मू गया। कहां पर गया? जम्मू गया, यानी भरत से भरतपुर बना, गिली से गिलहरीनुमा बना, यानी भरतपुर की आकृति गिलहरीनुमा है। सी से बना शिकर, और शिकर की आकृति है प्यालीनुमा या कटोरे नुमा या अर्धचंद्राकार के रूप में है। इसी कड़ी में अजय, अजय से क्या बना? अजमेर बना। क्या बना? अजमेर बना। और अजमेर जिले की आकृति है त्रिभुजा आकार के रूप में। किसके रूप में है? त्रिभुजा आकार के रूप में है। और इसके बाद में है सभा। क्या है? सभा। सभा से मतलब है संभाग, यानी अजमेर संभाग की आकृति है वो जम्मू कश्मीर की तरह है। तो आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की तरह किस जिले की आकृति है, तो आपको बताना है अजमेर संभाग की। किसकी है? अजमेर संभाग की। अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पे। फॉर्मूला नंबर 5
फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है कि उदय ऑस्ट्रेलिया से घोड़े की नाल, किसकी नाल है? घोड़े की नाल चित्तौड़गढ़ ले आया। यानी ट्रिक क्या है कि उदय ऑस्ट्रेलिया से घोड़े की नाल चित्तौड़गढ़ ले आया। कहां ले आया? चित्तौड़गढ़ ले आया। तो उदय से क्या बना? उदय का कोड है उदयपुर। क्या है? उदयपुर है। और ऑस्ट्रेलिया का मतलब है कि उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया के समान है। और इसी कड़ी में हम आगे चले तो घोड़े की नाल चित्तौड़गढ़ ले आया। कहां ले आया? चित्तौड़गढ़ ले आया। चित्तौड़गढ़ से मतलब है चित्तौड़गढ़ का मतलब है चित्तौड़गढ़। यानी चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है किसके समान? घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान। तो आपसे पूछा जाए कि घोड़े की नाल के समान किस जिले की आकृति है? तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ जिले की। किस जिले की है? चित्तौड़गढ़ जिले की। और आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी किस जिले की आकृति है? तो आपको बताना है उदयपुर जिले की। किस जिले की है? उदयपुर जिले की। यानी ट्रिक क्या है? उदय ऑस्ट्रेलिया से घोड़े की नाल चित्तौड़गढ़ ले आया। कहां ले आया? चित्तौड़गढ़ ले आया। उदय से क्या बना? उदयपुर। और उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। और चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है घोड़े की नाल के समान। आपसे पूछा जाए कि किस जिले की आकृति का मुख्य भाग इल्ली के समान है? किसके समान है? इल्ली के समान। या फिर पूछा जाए कि इल्ली के समान किस जिले का मुख्य भाग है? तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़। क्या बताना है? चित्तौड़गढ़ बताना है। यानी किस जिले का मुख्य भाग इल्ली के समान है? तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़। क्या बताना है? चित्तौड़गढ़। इस ट्रिक को दोबारा देखेंगे हम कि उदय ऑस्ट्रेलिया से घोड़े की नाल चित्तौड़गढ़ ले आया। कहां ले आया? चित्तौड़गढ़ ले आया। उदय से क्या बना? उदयपुर बना। क्या बना? उदयपुर। और ऑस्ट्रेलिया से क्या बना? ऑस्ट्रेलिया। यानी उदयपुर जिले की आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। और घोड़े की नाल, क्या? घोड़े की नाल चित्तौड़गढ़ ले आया। कहां ले आया? चित्तौड़गढ़ ले आया। यानी चित्तौड़गढ़ से बना चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति किसके समान है? घोड़े की नाल के समान। और पूछा जाए कि किस जिले का मुख्य भाग इल्ली के समान है? तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ जिले का मुख्य भाग इल्ली के समान है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दौसा जिले की आकृति किसके समान है। दौसा जिले की आकृति किसके समान है? तो ये अपना दौसा जिला। और दौसा जिले की आकृति है दोस्तों धनुषाकार। यानी दौसा धनुषा
ये साउंड लगभग एक ही प्रकार की हो रही है ध्वनि। दोसा धनुषाकार यानी दोसा की आकृति किसके समान है? धनुषाकार। तो आपसे पूछा जाए कि किस जिले की आकृति धनुषा आकार की है, तो आपको बताना है दोसा जिला। क्या बताना है? दोसा जिला बताना है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि टोंक जिले की आकृति किसके समान है। टोंक जिला कौन सा जिला? टोंक जिला। टोंक जिले की आकृति किसके समान है? समचतुर्भुज के समान। किसके समान है? सम चतुर्भुज के समान है, यानी टोंक जिले की आकृति समचतुर्भुज के समान है। कहने को कि टोंक जिले में क्या है? सभी समान है, यानी टोंक जिले की आकृति समचतुर्भुज के समान है। और दोसा जिले की आकृति है धनुषाकार और टोंक जिले की आकृति है समचतुर्भुज के समान। तो आपसे पूछा जाए कि समचतुर्भुज के समान किस जिले की आकृति है, तो आपको बताना है टोंक जिले की। किस जिले की है? टोंक जिले की। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की थी कि राज्य एवं जिलों की आकृति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य के बारे में सबसे पहले किस विद्वान ने कहा था कि राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो इस नाम को हैंडल करने वाला कौन था? टी एच हैंडले। कौन था? टी एच हैंडले, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान के बारे में बताने वाला सबसे पहले विद्वान कौन था? टी एच हैंडले ने सबसे पहले यह कहा था कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या पतंगा आकार के रूप में है, या रोम्बस के समान है। किसके समान है? रोम्बस के समान है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं पुनः आप लोगों का अभिवादन करता हूं कि हमारे पूरे डैफोडिल कोचिंग परिवार की ओर से कि आपको और आपके परिवार को आखादीज परिवार का हार्दिक एवं अभिनंदन है। धन्यवाद दोस्तों। इसका अगला पार्ट हम कल लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको राजस्थान का भौतिक प्रदेश। क्या बताएंगे? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और तब तक आप बने रहे हमारे YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर। धन्यवाद दोस्तों।